बहुत डिटेल में इंटरेक्ट कर सकता हूँ। एक प्रकांड अर्थशास्त्री ने कहा था मुझे, आई एम रिमाइंडेड ऑफ हिज वर्ड्स, ही वंस सेड कि आवर इंपल्स इज नॉट फॉर द सेक ऑफ फर्स्ट इंपल्स, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, बट रादर द फिजियोलॉजिस्ट नॉलेज फॉर द हीलिंग दैट नॉलेज हेल्प टू ब्रिंग। इससे क्यों लेते हुए एक अपने इंडियन इकोनॉमिस्ट ने, 80s में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थे प्रोफेसर मेहता, उन्होंने रोजगार के परिवेश में डिमांड एंड सप्लाई के संतुलन पर बनाते हुए या उसमें किस तरीके से इक्विलिब्रियम आएगा, इस पर एक बहुत अच्छा एक बात कही थी, बड़े सूक्ष्म से बता रहा हूँ उन्हीं के शब्दों में। आई एम ऑल्सो रिमाइंडेड ऑफ दिस ब्रदर, आई लाइक टू जस्ट रीटेक व्हाट ही सेड, आई कोट हिम, ही सेड, यस सर, द ह्यूमन माइंड इज जस्ट लाइक रेस्टलेस बर्ड, BIRD, चिड़िया, द ह्यूमन माइंड इज जस्ट लाइक रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स बट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। हमारे यहाँ जितने यंगस्टर्स हैं पूरे समूचे देश के परिवेश में मैं इस बात को कह रहा हूं, आज बेरोजगारी की समस्या बहुत जटिलतम समस्या है। रोजगार अपने आप में कहते हैं, एक कह दिया वर्ड है रोजगार, ये रोजगार से दुनिया चल रही है। रोजगार नहीं होगा तो आपकी डिमांड पूरी नहीं होगी, कोई डिमांड भी पूरी नहीं कर सकता है। जैसा प्रोफेसर मेहता के शब्दों को मैं आपके सामने आपने रखे, तो वही कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का जो विशेषकर उस प्रवेश में यदि आप कहें तो अनएंडिंग डिमांड है, लेकिन उन अनएंडिंग डिमांड्स को कितना ही सीमित कर ले, रोटी कपड़ा तो चाहिए आदमी को, मकान छोड़ दीजिए। आज हालत ये है देश में कि रोटी भी नहीं है, वहां से परवाह बहुत अंतर परवाह ऐसे रोटी में। और यकीन मानिए मैं 15 साल 16 साल हो जाएंगे, मुझे 16 साल पहले डर हुआ था, मैं एक वैकेंसी प्यान की निकाली एडवर्टाइज की थी और उसमें प्यान वैकेंसी नहीं, 70,000 एप्लीकेशन डीजीटी मिनिस्टर ऑफ लेबर, ओपन एडवर्टाइजमेंट था। वैसे तो हमारे पास तो मशीनें भी बहुत जबरदस्त एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, लेकिन बजाय उसके डिसीजन लिया गया कि प्राइवेट पर भरनी है पोस्ट जरूरी है, उसका ये आवाज था 70,000 उस वक्त की बात है, 16 साल मेरे 16 साल हो उससे पहले उस वक्त की बात है। अब उसमें छाटना पड़ा, उसके अंदर पोस्ट डिवीजन बहुत थे, आई एम नॉट अगेन मुंबई कितने लोग थे उसमें, उसमें सिलेक्शन करना है, स्क्रूटनी करना है एप्लीकेशन की, मुश्किल हो गया था कि कैसे निकाला जाए। एक कंपटीशन डालते हैं कोर्ट में, कोर्टों में लोग जाते हैं, वो ध्यान रखना पड़ता है। खैर वो इन्वॉल्वमेंट किया किसी का, कहीं से लीगल एक्सपर्ट भी उसमें दिए गए, वो कुछ कुछ निर्णय हुआ। वो खैर मैं बता रहा हूँ कि ये हालत तो उस वक्त थी, अब क्या हालत होगी। मैं थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स लेके आया था और केवल यहाँ ये बताने के लिए कि आज देश की जो पोजिशन है उसकी अगर आप देखें, जो आपका सांख्यिकी सरकार की एकत्रित की हुई है उसके हिसाब से करीब 5 करोड़ लोग सरकारी दस्तावेज की बात कर रहा हूँ, वो भी 2017 एंड में, दिसंबर 2017 5 करोड़ लोग रजिस्टर्ड है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, जो जॉब सीकर्स हैं, जिनको जॉब सीकर कहा जाता है, जिनको रोजगार चाहिए, उनमें से लगभग 1 करोड़ मानस करके चार करोड़ वो हैं जो मैट्रिक एंड एवं क्वालिफिकेशन लिए हुए हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी आ जाता है। अब पोजिशन ऐसी के लिए शुरू कास्ट की, इसमें से शुरू कास्ट जो हैं करीब 8 मिलियन है, करीब 80 लाख के करीब,
ये तो अभी की ताजा है स्थिति, और ये जरूरी नहीं है कि जो बेरोजगार है कोई अच्छे से कहा है, ये आवश्यक नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं होता। रिचे भी नहीं है आजकल, तो एम्प्लॉयमेंट स्कीम कोई रही नहीं है, जॉब नहीं आती है, वहां कमीशन मांग गए हैं, रिक्रूटमेंट बोर्ड बन गए हैं। तो ज्यादातर जो पहले जिस तरीके से वैकेंसी भरी जाती थी एम्प्लॉयमेंट स्कीम के थ्रू, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो उससे एब्सोल्यूट सा हो गया सिस्टम पूरा। सो इज द केस विद द एम्प्लॉयमेंट दी प्राइवेट इनकम सेक्टर, वो भी सिनर्जी बड़ा अजीब हो रही है। जो आंकड़े आपके एम्प्लॉयमेंट के, जिसमें जो लोगों की संख्या देश में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉयड हैं, 2012 का डाटा है जो रिलीज हुआ है, अभी 5-6 साल का तो गैप है, 4-8 साल का गैप है। आप देखिए पब्लिक सेक्टर में पूरा मिला के, कुल मिला के 1,076 लाख persons were reported to have been employed by the establishments across the country in the central, state, quasi government center, quasi state government sector and local bodies. The public sector was negligible. As against 175 lakh in 2011. And as regards the position of private sector, की पोजिशन भी इतनी नहीं है जैसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है प्राइवेट सेक्टर, देखिए प्राइवेट सेक्टर में 119.70 लाख ये प्राइवेट सेक्टर का है, और ये 2012 का है, और 2011 का है 1,014.52 लाख। तो क्या सैलरी है, अगर डायमेंशन कंट्री का देखें तो क्या है, ये कुछ भी नहीं है, क्या है कुछ नहीं। उसमें भी ऑर्गेनाइज सेक्टर को ऐसे कहा जाता है कि पब्लिक सेक्टर में रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, उसमें एक भी हो सकता है, हजार भी हो सकते हैं, उनकी संख्या है कि 5 सेक्टर है। दूसरे प्राइवेट सेक्टर में ओनली 2 एम्प्लॉय 25 और मोर पर्सन्स ये कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका प्राइवेट इनकम सेक्टर, बाकी 1 से लेके 24 तक कोई गिनती नहीं है। कितना कहाँ है, कितने एस्टेब्लिशमेंट में, क्या एस्टेब्लिशमेंट का संख्या है, लेकिन आई नॉट टेलिंग यू से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है एम्प्लॉयमेंट जिस पर आप ग्रोथ भी नहीं निकाल सकते, ग्रोथ तो आप निकाले, ट्रेंड आपका दिखा है, काफी चांसेस है एम्प्लॉयमेंट के, आजादी प्राप्त किए हुए हमको 70 साल हो गए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कृपा से आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 में प्रावधान रिजर्वेशन का था। किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी गवर्नमेंट अब तो नहीं है राज किया होना, ये भी गवर्नमेंट ठीक है, ये जनरल का जनरल के लिए तो ये लिया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन 10% कर दिया, एक दिन एक दो दिन लगे उसको, लोकसभा से होगा ना सब से होगा, और महामहिम राष्ट्रपति ने उसको आपका जो बिजनेस है एससी एसटी का गरीबों को रिजर्वेशन, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कर दिया गया रिजर्वेशन, उसकी कितनी दुर्गति है मालूम है आपको, कि जो चल रहा है रिजर्वेशन ये केवल एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन पर चल रहा है, कुछ तो भरा जाए ना भरा जाए कोई कहने सुनने वाला नहीं है। रोस्टर बनाए गए वो हमने भी जमाना बहुत देखा है, ओवरनाइट रोस्टर बदले गए पार्लियामेंट को सुनाते थे, कोई परवाह नहीं करता था, कोई मना करता था, कोई रोस्टर उसको मेंटेन नहीं करता था, आप मानिए माननीय अध्यक्ष जी मान लीजिए राणा जी को आपसे मान लीजिए अच्छे से कोई देखा होगा, ये हर केंद्रीय
केंद्र में यहाँ था। जब कोई पार्लियामेंट मेंबर पीछे पड़ गया तो इतना तो जरूर हुआ कि वो ईश्वर का बता दिया गया और ये ये भी दे दिया गया कि वैकेंसी चोरी भाई वो ये दे दिया उन्होंने। एक ही था पर एक ही एक चलता था सब जगह लिंगुआ फ्रैंका था वो कि सुपर सेंडर पर बैठा या सुपर सेंडर मिलेगी सुडे वो कैंडिडेट नहीं बचे हमको यूपीएससी में हुआ तो सुडे वो कैंडिडेट वाज नॉट परफॉर्मिंग दैट इज व्हाई द पोस्ट वेंट वैकेंट एंड वाज नॉट फिल्ड। तो क्या क्या खेला है हम लोगों ने सत्तर सत्तर साल की यात्रा में पढ़े थे लोगों ने हम लोग जो सिस्टम है समझ ली जाती है उसमें भी हमें शांत रहना पड़ता है। लेकिन अब ये हमारे साथ कितना बड़ा छलावा है हमारे बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संवैधानिक रिजर्वेशन कहाँ है संवैधानिक रिजर्वेशन कौन सा उससे एक्ट बनाया गया है कौन सी कानून बनाई गई है उससे केवल मात्र एग्जीक्यूटिव सिस्टम चल रहा है भरी मत भरी पूरी छुट्टी है प्रशासन को ऐसा हुआ है या पोस्ट भरी ठीक है 10 पोस्ट 30 रूप कास्टों की या ट्रैक्स की एक भी नहीं भरा एक भर ली काफी है और मिलेगी छुट्टी में ये हुआ है अभी यही हो रहा है। अब तो घर बिल्कुल है ही नहीं कोई पोस्ट सेंट्रल सेक्टर हो स्टेट सेक्टर हो क्वासाई सेंट्रल सेक्टर हो क्वासाई स्टेट सेक्टर हो या लोकल बॉडीज हो वहां पोस्ट शुरू पास के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पोस्ट नहीं अपनी पोस्ट तो भर लेते हैं जैसे जिस तरीके से चाहे भर लेते हैं तो ये विडंबना है बड़ी बड़ी विडंबना। अब इसमें साथियों का ये था इसमें ये बताया जाए कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी अगर क्रिएट है देखिए जॉब जॉब क्रिएशन क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी जो है जॉब जनरेशन जो है या जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो होती है वो भी कहीं आप मगरे का आया देन आपका जवाहर रोजगार योजना आई उसमें क्या हुआ वो आई वास है बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग उसकी हुई वो भी पैसा खूब यहाँ से गया ईयरमार्क हुआ प्लानिंग कमीशन की तरफ से पैसा दिया गया लेकिन वो पैसे को प्रॉपर यूज नहीं किया गया और ना किसी को रोजगार मिला वो केवल जहाँ जाना था पॉकेट में उन लोगों को पॉकेट में चला गया। तो इसमें विशेषकर जो मैं मेरी समझ से जो स्कीम्स हैं और जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सबका सप्ताह है उसमें तीन सेक्टर्स हैं इसमें एक प्राइवेट सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर फिशिंग फॉरेस्ट्री एंड ये हंटिंग आता है देन दूसरा है आपका सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग बहुत स्कोप है उसमें देन इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर एंड कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन और पराकाष्ठा पर उसमें ज्यादातर काम हमारे लोग करते हैं ये है देन टर्सरी सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है इसमें होलसेल एंड रिटेल ट्रेड एंड रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह क्यों नहीं कर सकते बहुत मुश्किल है क्यों मजदूरी कर सकते हैं उसमें बाकी मालिक नहीं हो सकते इसकी ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन स्टोरेज द केस विद दिस सेक्टर आल्सो एंड देन कम्युनिटी एंड सोशल पर्सनल सर्विसेज सर्विस का ही गठन है सबसे बड़ा कि सर्विस सेक्टर जो है स्ट्रेंथ है पब्लिक सेक्टर तो बिल्कुल ना के बराबर समझिए प्राइवेट सेक्टर मैं कोई लेता नहीं है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात चली थी आज से कुछ आई थिंक लगभग 10 साल पहले लेकिन वो एक मोमेंट खड़ा हुआ था पूरे हिंदुस्तान में और वो एक दो महीने तो खूब उस पर बातचीतें हुई बड़ी डिबेटें हुई मंत्री तक भी उसमें इन्वॉल्व थे आपके लेकिन बाद में वो साइलेंट सा ही हो गया इशू और सरकार ने जो स्टेप दिया था कि इसमें प्राइवेट सेक्टर रिजर्वेशन लाना है इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम लेकिन वहां भी नाकाम है रही आजकल तो बातें नहीं करता है आजकल तो बातें नहीं करता है पब्लिक सेक्टर है नहीं प्राइवेट सेक्टर में कोई लेगा नहीं तो ये लोग जाए कहाँ ये अनुसूचित जाति जनजात के लोग कहाँ जाए कोई लेने को तैयार नहीं है उनको। तो हमारे सामने ये बहुत बड़ी समस्या है बड़ी चुनौती है चुनौती भी है इट इज ईजियर सेड देन डन मेरे प्रेडिसेसर कुछ कह भी गए मुझसे अभी कह रहे थे आपको संबोधन करते हुए ये करिए वो करिए इतना आसान नहीं है उसके बहुत पैसा चाहिए बहुत पैसा चाहिए कई स्कीमें हैं जिनमें पैसा ऐसा ही मिलता है कोई लिबरल हो गई बैंक बताते हैं लेकिन वहाँ भी गारंटी चाहिए और कई लोग ऐसे हैं जहाँ घर में कुछ है नहीं गारंटी कहाँ से देगा कैसे लोन लेगा 5,000 रुपये लोन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए
मुझे कहा गया है कि मैं कंक्लूड कर दूं।